माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है, वास्तव में केंद्र के मद से 14वें और 15वें वित्त के जो पैसे हैं, किस प्रकार से बंदरबांट किया जा रहा है। और मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों को जो रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण को जो महिला समूहों से छीन करके ठेकेदारों के माध्यम से वितरित करने के लिए और बंदरबांट की तैयारी की जा चुकी है। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश दिया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, वहां के महिलाओं का हक छीनने का काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रदेश में सक्रिय हजारों महिला समूह की लाखों बहनें बेरोजगार हो जाएंगे, उनके द्वारा क्रय किए गए मशीनें अनुपयोगी हो जाएंगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2009 में जो तत्कालीन जो सरकार थी, उन्होंने सब प्रकार की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सब प्रकार की पोषण आहार तैयार करने का जिम्मा महिला समूह को दिया था, ताकि उनको रोजगार प्राप्त हो सके। और हजारों महिलाओं को रोजगार प्राप्त भी हुआ, ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी आर्थिक और सामाजिक रूप बदलने लगा, परिवर्तन आया। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कैसे 30-35 हजार से ऊपर ऐसे स्व सहायता समूह आज बेरोजगार हो जाएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से उनको बेरोजगार होने से बचाया जाए और सब प्रकार से वहाँ व्यवस्थित हो। धन्यवाद।